तो फाइनली इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का T20 का दूसरा मैच खत्म हो चुका है, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज भी बारिश हो गई। पहले मैच में बारिश ने तो पहला मैच ही रुकवा दिया, और आज के दिन बारिश हुई, मैच रुका, यहाँ तक कि दूसरी इनिंग्स 20 ओवर की जगह 15 ओवर की हो गई। हाईएस्ट स्कोर को कम कर दिया गया, चेस करने को 154 कर दिया गया 181 से, लेकिन फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा मैच। जहाँ पे मैं दिल से कह रहा हूँ, सूर्य कुमार यादव से मैं बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ, उस बंदे से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख है। वो हर मैच में अब जब मार रहा है ना, मुझे सिर्फ दुख होता है। मुझे ये लगता है कि यार ये बंदा वर्ल्ड कप के फाइनल में क्यों नहीं चला जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उस दिन जो निराश किया ना, मेरी रूह कांप रही थी वो मैच देखते हुए। यार इंडिया में ना कुछ ज़्यादा ही प्यार किया जाता है क्रिकेट को, मुझे क्यों पता नहीं, क्यों नहीं समझ आता कि उस दिन आखिर कैसा फील कर रहा था मैं जब सूर्य कुमार यादव खेल रहा था। मुझे इससे बहुत ज़्यादा होप थी, और सब कुछ कुचल के रख दिया था भाई ने उस दिन। बहुत बहुत खराब खेला, यहाँ तक कि बॉल को फेस भी नहीं कर रहे थे, बॉलर्स को बैटिंग पे पहुंचा दे रहे थे, और जब लास्ट में ट्राई किया, दो तीन शॉट सेम जैसे लिए और उसी शॉट पे आउट हो गए। लगातार गलती करते हो, मतलब बिल्कुल वो परफॉर्मेंस ही नहीं थी वर्ल्ड कप वाली। लेकिन कोई नहीं, फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आई होप T20 के वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करे, बाकी T20 के तो स्टार मान ही जाते हैं। फिलहाल वो ODI था, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्होंने 2000 रन अपने पूरे किए, उसी के साथ उनकी 17वीं 50 लगी इस मैच में। और जो जिस सिचुएशन में इन्होंने ये इनिंग्स खेली है, काबिले तारीफ है, क्योंकि हमारे दो मेन बल्लेबाज आउट हो गए डक पे। जो रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसी भूमिका निभाते हैं, मतलब जिस तरीके के उनके कैरेक्टर्स हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा रोहित शर्मा और विराट कोहली से मैच करते हैं यशस्वी जायसवाल और शुभम गिल। अब दोनों ही आउट हो गए डक पे, उस सिचुएशन पे तिलक वर्मा ने अच्छा सपोर्ट किया, बहुत प्यारा सा उनकी भी भूमिका रही, उनको हटाया नहीं जा सकता। उन्होंने भी 29 रन बनाए, लेकिन अच्छी पारी थी। उसके बाद सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा हाफ सेंचुरी बनाई। और रिंकू सिंह भाई, ये लड़का, ये तो भाई T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की कर चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे जाके भले IPL के बेस पे सेलेक्ट करते हैं, लेकिन इस लड़की की तो जगह तय है भाई, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कोई लोअर ऑर्डर में खेलने वाला बंदा ही नहीं हमारे पास इतना अच्छा जिस तरह से खेल रहा है। लोअर ऑर्डर में खेलने वाला बंदा नहीं है, और ये बंदा जरूरत पड़ने पे आगे आके भी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता है। आज के दिन 9 चौके 2 छक्के लगाए, बहुत काम तरीके से साउथ अफ्रीका के पिच पे खेला, जहाँ बाउंस और सीम का, उस स्पिन का कोई मतलब कोई कोई अंदाज़ा ही नहीं। उस तरीके की पिच पे बहुत अच्छी पारी खेली, काबिले तारीफ। मुझे लगा हमारे बल्लेबाज फर्स्ट इनिंग्स में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन हमें अपनी औकात तो सेकेंड इनिंग्स में पता चली। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि मुझे उनके दो बॉलर्स बहुत सही लगे, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। कॉट्सी अबाउट 4 ओवर किए, 3 विकेट ली और 32-36 रन दिए। और भाई शामसी के बारे में आपको बताऊं भाई, 1 विकेट ली लेकिन 18 रन दिए अपने 4 ओवर में। अपने 4 ओवर में उस बंदे ने 18 रन दिए, इतना अच्छा गेंदबाज। और फिर मुझे पता चला कि वो IPL में आता है लेकिन कभी बिकता नहीं, इस तरीके के उसके हालात है। ये वही है भाई, वो मैच में विकेट लेने के बाद, सूर्य कुमार यादव को आउट करने के बाद, क्रूशियल विकेट था लेने के बाद, वो जूते को कान पे लगाने वाला, ट्रेडिशन फॉलो करने वाले लोग हैं। खैर उसके बाद जब सेकेंड इनिंग्स आई, तब मुझे अपनी औकात का पता चला कि हमारे बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन ये लगता है आज का दिन बल्लेबाजों का ही है, और उन्होंने जो मारना शुरू किया डेफिनेटली बहुत कमाल। मार्करम और हेंड्रिक, इन दोनों ने जो सतह बनाई अपने बल्लेबाजों के लिए, अपने आने वाले खिलाड़ियों के लिए, सब ने उस पे आके उसी तरह से खेला। माइंडसेट था कि जो जाएगा वो मारेगा, और बहुत काबिले तारीफ खेला, बहुत अच्छा मारा हमारे गेंदबाजों से। मुझे थोड़ी नाखुशी थी, नाखुशी है मतलब, खैर नए खिलाड़ी हैं, नई पिच थी, अभी सीख रहे हैं, लेकिन हाँ बहुत बहुत कम अच्छा खेले, कोई किफ़ायती रहा नहीं। मुकेश कुमार ने रन ज़्यादा दे दिए, अगर 2 विकेटें भी ली तो। और उसी के साथ कुलदीप यादव और सिराज, कुलदीप यादव और सिराज ने लगभग एक एक विकेट ली, 3-3 ओवर डाले और 26-27 रन। कुछ खास अंतर नहीं, जडेजा ने भी 2-2.5 ओवर डाला और 26 रन कुछ दिए। तो बॉलर से मैं नाखुशी हूँ, किसी ने कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अर्शदीप के सितारे गर्दिश में थे आज, बैटिंग मिली तो बस बल्ले से लग के भाई वापस डक पे। यार गेंदबाज हैं, लेकिन गेंदबाजी में भी नाखुश किया, बहुत ज़्यादा नाखुश किया, सबसे ज़्यादा पिटे। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। बाय द वे, इफ़ यू लाइक का वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें।